अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कॉफ़ी विद कलमकार में आपका होस्ट आसिफ रज़ा बलोच। नाज़रीन, पाकिस्तान उर्दू अदब के लिए एक बहुत ही ज़रखेज़ सरज़मीन रहा है। उर्दू अदब में जिस भी पाए के शायर और अदीब का तज़करा आप पढ़ेंगे या सुनेंगे, उनमें से अक्सर का ताल्लुक मुतहदा हिंदुस्तान या बाद में पाकिस्तान से रहा होगा। इन बड़े शायरों और अदीबों में इन अदीबों और शायरों में नुमाया नाम फैज़ अहमद फैज़, बानो कुदसिया, इशफाक अहमद, सादत हसन मंटू, इब्ने इंशा, इब्ने सफ़ी, अहमद नदीम कासमी, इंतज़ार हुसैन, फ़ातिमा सुरैया बजिया, पितरस बुखारी, मुमताज़ मुफ्ती, कुदरतुल्ला शहाब और इन जैसे ना जाने कितने ही नाम जो यहाँ मैं गिनवा नहीं सकता, जिन्होंने उर्दू अदब में बेपनाह धूम मचाई और बेहतरीन अदब तख्लीक किया। उन सब का ताल्लुक पाकिस्तानी सरजमीन से था। पाकिस्तान में और ख़ास तौर पर पंजाब में, और पंजाब में अगर मैं जनूबी पंजाब को अदीबों की नर्सरी कहूँ तो बेजाना होगा। कई नामवर अदीब जिन्होंने उर्दू अदब में अपने अदब की बिना पर धूमें मचाईं और बहुत नाम कमाया, उनका ताल्लुक जनूबी पंजाब से था। मोहसिन नकवी का ताल्लुक जनूबी पंजाब के ही एक ज़िला डेरा गाजी खां से था। और इन जैसे कितने ही अदीब जिन्होंने कलम उठाना ही जनूबी पंजाब में रहकर सीखा। आज हम जिस अदीब से मुलाकात करने जा रहे हैं, उनके नाम से ना सिर्फ बड़े बल्कि बच्चे भी वाकिफ़ हैं। जो लोग उर्दू अदब में या उर्दू कुतुब से शगफ़ रखते हैं और मुताले के शौकीन हैं, उनके लिए नदीम अख्तर साहब का नाम नया नहीं होगा। उर्दू अदब में बच्चों और बड़ों के लिए यकसा महारत से अदब तख्लीक करने वाले, अपने तख्लीक करदा अदब के साथ अपना नाम और पहचान बनाने वाले, उर्दू अदब में मुख्तलिफ तहरीक को बनाने वाले या उनमें बतौर लीडर अपना किरदार अदा करने वाले, और आज हमारे साथ कुछ वक्त बिताने वाले, तो आइए आज मुलाकात करते हैं मोहतरम नदीम अख्तर साहब से। अस्सलाम वालेकुम नदीम अख्तर साहब। वालेकुम अस्सलाम, आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? खुश
श्योरी आपको देख के एक हफ्ते के बाद, बहुत शुक्रिया एक हफ्ते के बाद नहीं, करीबन दो हफ्ते के बाद लाइव, बहुत मुश्किल से आप पकड़ाई दिए हैं, बहुत मुश्किल से आप पकड़ में आए हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने का कॉफी विद कलमकार में। बगैर किसी वक्फे के मैं अपने सवाल शुरू करूंगा। तो सबसे पहला सवाल आपसे नदीम अख्तर साहब, मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप एक अच्छे लिखारी माने जाते हैं और जाने भी जाते हैं, माशाल्लाह आपका नाम भी जाना पहचाना है। आप जैसा मैंने अपने इंट्रो में भी बताया कि मुख्तलिफ तहरीक भी आपने शुरू की अदब की तरक्की और तरवीज के हवाले से, लेकिन उन 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 तहरीक का कोई नतीजा कुछ मानी खेज नहीं रहा। कुछ तहरीक ख़त्म हो गई, कुछ में आपके इख्तलाफात हो गए, कुछ चल रही हैं आपके बगैर, तो उसकी बेसिक वजह क्या है? आपने अच्छा कदम उठाया लेकिन एट द एंड वो अपने मंतकी अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचा? राइटर्स के आपस के इख्तलाफात की वजह से या किसी मफादात की वजह से, क्या वजह रही? असल में आप भाई ऐसा होता है कि कोई भी इंसान जो है जल्दी को विजन के साथ काम करना चाहता है और वो हमेशा कामयाब रहता है। मैंने आज तक जितने भी काम शुरू किए और हमेशा विजन के साथ काम किए, मैंने हमेशा उसको आगे देखा है कि आने वाले वक्त में मैं 10 साल के बाद उस चीज़ को कहाँ देख सकता हूँ, और हमेशा मैंने गोल सेट किए हैं। ये जो तहरीकों के हवाले से जो है, मैं ये समझता था कि जिसके जो जिसका मकसद था वो शुरू करने का, वो यही था कि मेरा प्रयास होता है कि इस वक्त जो अदबियत था पाकिस्तान में थी, क्योंकि अगर आपको याद हो तो जब खुले कलियर का ज़माना था, जब लोग लिखा करते थे और रबते थे, हमारे उसको तरह के टेलीफोन नहीं था, हमारे पास मोबाइल नहीं था, ठीक है, अगर टेलीफोन था किसी के पास तो वो हमें बहुत कम नज़र आता था किसी एक आसपति के पास, तो ज़्यादातर हमारे जो रबता होता था वो सिर्फ खत मुताबिक के जरिए, या फिर हम खुले कलिया के जो जो रात को बुध को या मंगल को जो एडिशन आता था जो हमारे खतूत करते थे उस पर जो उसमें हमें बहुत चलता था कि कौन लोग कहाँ पर हमें कैब कर रहे हैं। एक असर आया जब मुशरफ के पास जदीद टेक्नोलॉजी जिसमें अब टेलीकम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा स्पीड से हमारे सामने आई, अब हुई, और फिर हमारे भी कुछ ऐसे जो जितने भी हमारे हम असर लिखने वाले थे वो लोग जारी बातें अपने मिसाइल की वजह से आप यहाँ से पाकिस्तान दुबई शिफ्ट हो गए, ठीक है, बहुत सारे लोग पाकिस्तान में रहते हुए मुख्तलिफ अपने रोजगार के सिलसिले में सेट हुए और उनका लिखना जो है मालूम होता जाता है। तो नए तौर पर ये जो मेरा तहरीक का आगाज था, ये उसका मकसद यही था कि एक तो दोबारा लोगों को जो है वो रागब किए थे लिखने के लिए। बुनियादी तौर पर वो तहरीक का आगाज इसलिए किया था कि लोगों के लिए आपस में दोबारा से रबते बहाल किए, जब फेसबुक का सोशल मीडिया का ज़माना आया तो फिर वही जो पुराने लोग जो बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे रबते जिनके, वो हमें सोशल मीडिया पर नजर आए, फिर हमने उनको चुन चुन के ऐड किया, तलाश किया। अच्छा, ये तो हमारा पहला, यानी कि जब आगाज के तहरीक का उसको कोई मकसद था नहीं हमारा ना, लेकिन जब हमने उनको तहरीक पे बहरे मुलाकात के लिए जब इकट्ठा कर लिया तो वहाँ पे एक नई सोच ने वहाँ पे जन्म लिया कि पिछले तकरीबन 10-15 साल से हम लोगों ने लिखना भी छोड़ दिया है, उससे पहले हम लोग लिखते रहे हैं 10-12 साल, लेकिन आज भी जो है ना तो सरकारी सतह पे हमारी कुछ सुनवाई हो रही है, इवन के बच्चों के अदीब को जो अदीब समझा ही नहीं जा रहा। हमारे सामने जो था उस वक्त वो थे अलहमरा आर्ट काउंसिल की उर्दू कॉन्फ्रेंस थी, हमारे सामने अकादमी अदबियात की जो है इस्लाम आबाद थे उनकी मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेज थी, हमारे सामने एक प्राची आर्ट काउंसिल में इंटरनेशनल जो वहाँ पे उर्दू कॉन्फ्रेंस होती है हर साल वो हमारे सामने थी, लेकिन वहाँ पे सिर्फ अदब की बात होती थी, बच्चों के अदब को सीरियसली वहाँ से गायब ही कर दिया गया। और ये हमारी फिर एक नई सोच ने जन्म लिया कि क्यों ना, अगर हम तो पिछले एक हफ्ते से हमारे कुछ अदारे जो काम कर रहे थे, जैसे नवा कैंप भी था, आपने भी उस पर तरबियत याफ्ता है, मैं भी तरबियत याफ्ता हूँ वहाँ से, तो वो 25 साल डॉक्टर सर ऊपर साहब ने वहाँ पर काम किया और मुख्य हवालों से वहाँ पर बात भी की मुख्य अदारों की तरह, लेकिन हमने देखा कि पिछले 20-25 सालों में किसी भी सरकारी अदारे के कहते हैं दूर तक नहीं देखी, और एंड पे हमें यही 25 साल के बाद ये सुनने को मिला कि बच्चों के अदीब को अदीब मानते ही नहीं, अगर वो कहीं मानते भी होंगे तो उसका कभी उन्होंने इजहार नहीं किया। एक तो ये वजह बनी,
दूसरी हमारे सामने जो वजह थी आसिफ भाई की, ये थी कि हमारे सामने जितने भी मुकालाजात कभी भी किसी भी कॉन्फ्रेंस के अंदर अगर अगर पढ़े जाते थे तो 70 की दहाई से पहले वाले जो जितने वाले लोग थे, टिबला शुबा उनका बड़ा काम था, प्रिंसिपल मिनिस्टर साहब, मिजादी साहब, इस तरह जितने भी नाम हमारे सामने हैं, तो उनका एक बड़ा टिबला शुबा बड़ा काम था। और जब भी कोई किसी कॉन्फ्रेंस में बच्चों के अदब के हवाले से कोई मुताला पढ़ा जाता था तो उसमें 70 के बाद की कभी किसी ने बात ही नहीं की। तो ये हमारे लिए बड़ी एक तो कहते हैं कि लम्हा क्लियर था कि यार वो ठीक है, उन्होंने काम किया, उनके काम को मानते हैं, लेकिन 70 के बाद भी तो काम हुए, कितने सारे रिसाइल मार्केट चल रहे हैं, और उन्हीं रिसाइल से हम लोगों ने पढ़ना सीखा, उनके रिसाइल से हमने पढ़ने के बाद जो लिखना सीखा। तो क्या 70 के बाद कोई भी ऐसा अदीब नहीं है कि जिसका किसी मुकाला के अंदर उतर आए कि उस पर कुछ थीसिस लिखा जाए? तो बुनियादी तौर पर यही एक सोच थी जिसने तहरीक को जो तकरीब बहर मुलाकात थी उसको कन्वर्ट किया इस तहरीक के अंदर, और वहाँ पे हमने एक नारा लगाया कि नई दुनिया का क्या मुमकिन है, और उस एक नई दुनिया का क्या मुमकिन हमने करके दिखाया। एक तो ये है कि उसका जमहूर टूटा, आपने देखा, ठीक है, और एक अचानक से जो है ना वो रेवोल्यूशन इसको कहते हैं कि वो आ गया। और जी बिल्कुल आया, लेकिन वो बरकरार नहीं रहा। मेरा सवाल वही यही था, वो बरकरार नहीं रहा। ठीक है, अच्छा, हम किसी हद तक कामयाब हुए। अच्छा, उसके असरात अब हमारे सामने आ रहे हैं, उसके असरात अब हमारे, हम उसको ये नहीं कहेंगे कि हमने वो 4-5 साल जो मेहनत की है, जो हमने उसको लोगों को इकट्ठा किया, जमा किया, हमने कॉमन सतह की कॉन्फ्रेंस की लाहौर के अंदर। अच्छा, ये बड़ा एक लोगों के लिए हैरान की बात थी कि यार ये प्राइवेट लोग हैं जिनके पीछे कोई इशारा नहीं है, लेकिन ये चंद एक लोग मिल के जो है वो किस तरीके से सैकड़ों लोगों को जो है वो लाहौर के अंदर मदद करते हैं, और वहाँ पे एक दिन का रात को स्टे भी देते हैं, आज अच्छे होटल के अंदर, देखने पड़े अच्छे हॉल के अंदर जो कि वो क्या कहते हैं कि सेशन जो है वो मुनक़द करते हैं बच्चों अदब के हवाले से। और उसका ये हुआ कि उसके उस वक्त कुछ चीज़ें हमने तय की अपनी कॉन्फ्रेंस के अंदर, फिर हमने बहुत सारे ऐसे मतलब अदीबों की जो जिनकी किताबें आ रही थी उनको हमने तकरीब रुनमाई उनकी की अलहमरा हॉल के अंदर। अच्छा, फिर हमने एक तहरीक का आगाज किया बच्चों का अदब एक तहरीक के नाम से, वो बैक वक्त हर महीने जो है उसके इजलास हुआ करता था कराची के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, कोयटा के अंदर, मुल्तान के अंदर, और वो हमने देखा कि वो एक ही वक्त के अंदर मुख्तलिफ शहरों में सैकड़ों अदीब जो है वो एक ही एजेंडे के ऊपर बात कर रहे हैं। उसके बाद अगला जो आपका सवाल है कि वो तहरीकें शुरू हुई और उसका कोई ना कोई रिजल्ट क्यों नहीं है, तो उस पर मैं आपसे बिल्कुल ये कहना चाहूँगा कि ठीक है, जो मुख्तलिफ में जहाँ पे भी इस तरह के मामला तहरीकें ख़त्म होती हैं तो हमेशा जो है उसके पीछे कुछ मज़मूम आप कहते हैं या कुछ गलत फहमियाँ होती हैं। ठीक है, और तो आप ये कहना चाहते हैं कि ये जितने भी तारीख कामयाब नहीं हो सकी उनके पीछे राइटर्स के कुछ अपने मफादात या उनके अपने कुछ आपस की कुछ लड़ाइयां थी उनकी आपस की। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, तहरीक नाकाम नहीं, ये आप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने उस वक्त इन चीजों की बात की है, उसके असरात जो है इम्पेक्ट अब आना शुरू हो गए। उसकी बड़ी मिसाल जो है हमने दूसरी कॉन्फ्रेंस में जो लाहौर के अंदर हमने की, उसमें हमने जो कॉन्फ्रेंस के एंड के ऊपर जो मैं नाकाम इस सेंस में कह रहा हूँ, सॉरी कि मैं माजर चाहता हूँ, नाकाम इसलिए कह रहा हूँ कि अगर कोई तहरीक अपने मंत्र के अंजाम तक नहीं पहुंची, अगर उसके कुछ असरात भी रहे तो वो देर पानी रहे, मतलब कि वो 1-2 साल 3 साल मैक्सिमम अगर वो चीज चलती रहती, अगर ये चीज चलती रहती तो यकीन जी मैं अगेन वही बात करूंगा, बिल्कुल नाकाम तहरीक नहीं कह सकते। ठीक है, क्योंकि उसके इम्पैक्ट अब आना शुरू हो गए हैं, जो हमने बात की थी वो भले हमारे पोस्टर से नहीं हो रहे, लेकिन हमने एक बहस का आगाज किया था, उसमें बहस क्या थी, उसमें यह थी कि एक आदमी अद्वियात को अद्वियात के दर्ज के ऊपर बच्चों के लिए अद्वियात इस्तेमाल इजा करना चाहिए। ठीक है, और पिछले 3 साल से आप देख रहे हैं, अब इस वक्त जो अभी रिसेंटली जो पिछले 1-2 दिन पहले जो उसका शुमारा आया वो 15-16 नंबर शुमारा आया। ठीक है, सरकारी सतह पर जो है बच्चों के अदीबों को रिकग्नाइज किया गया है, अब माना गया है। ठीक है, अकादमी अद्वियात उनके लिए अद्वियात इस्तेमाल के नाम पर वो पर्चा लेके आ रही है हर। ठीक है, उसमें से आपको 20-30-25 ऐसे अदीब होते हैं जिनकी कहानियाँ नसल तराजम छाया होते हैं, और न सिर्फ वो तराजम छाया होते हैं बल्कि उनका बकायदा वो मुआवजा पे करती है अकादमी अद्वियात।
अभी हमने सुना पिछले दिनों वहाँ पे के अकादमी प्यार जो है आने वाले दिनों में जो है बच्चों के दीपों के लिए अवार्ड का इजरात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे वो उस वक्त रिकमेंडेशन थी, ठीक है, रिकमेंडेशन थी। फिर हमने कहा था कि हमारी रिकमेंडेशन थे जिस तरीके से पहले किसी दौर में 90 की दहाई की अगर हम बात करें, आप भी यहाँ पे मौजूद थे तो वगैरह हिस्सा रहे हैं, तो हमें ये चाहिए कि शायद करिए करिए हमें जितना फूल क्लब था बस में पैगाम था, ठीक है, कि करिए करिए लोगों को इंफादी सतह पर अपने अपनी जहाँ पे उनका बस चल रहा है वहाँ पे अपने अपनी तंजीमत को पाल करें या नई तंजीमत बनाए और अपनी सतह पे काम का आगाज करें। और हमने देखा कि वहाँ पे किरण रोशनी की मैं बात करता हूँ क्योंकि जो हकीकत है वो यही है, ठीक है, किरण रोशनी ने बड़े अच्छे वहाँ पे कन्वेंशन किए, ठीक है, राइटर कन्वेंशन किए। फिर हमने देखा कि वहाँ पे बच्चों को कास्ट सिस्टम और शहजाद साहब, ठीक है, तो वो हमारे साथ हमअसर थे, उन्होंने बच्चों को लुस्तान के तहत वो बहुत शानदार तकरीब की। उसके बाद हमने देखा मान मकबूल शोएब साहब अच्छे बड़े मंझे हुए जो है उन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज में तकरीबात वो तो अभी भी कर रहे हैं, अभी हाल ही में वो कर रहे हैं और हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है, और उसको हमेशा जो है इस तरह के हमको हमने सराहा है जैसे कि हम उसको नेगेटिव जो उसको पहले कभी नहीं हमने देखे। और ये हम ये समझते हैं कि वही तहरीक थी जिस तहरीक ने जो है एक तो जम्मू को तोड़ा, दूसरा दोबारा लोगों को राहत किया इस तरफ कि देखो यार आप दिख रहे हो, आप काम कर रहे हो, लेकिन जो नए लिखने वाले हैं या पुराने लिखने को दोबारा से किस तरह से आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो, दोबारा उनको किस तरह इज्जत दे सकते हो। आपको जब आप लोग करोगे तो उन तक की बात करते आपके मुख्य जो है वो ब्यूरोक्रेसी के लोग बैठे होते हैं, ठीक है, आपके मुख्य बड़े इदारों के लोग बैठे होते हैं उसके अंदर, उसमें अफसाना निगार बैठे होते हैं, नावल निगार बैठे होते हैं। अब उसकी गूंज क्या कहाँ तक फैली, उसकी गूंज जो है आर्ट काउंसिल जो कराची है वहाँ पे आर्ट काउंसिल इंटरनेशनल जो वहाँ पे होता है क्या उसको कहते हैं उर्दू कॉन्फ्रेंस होती है, नकद होना शुरू हो गया, अलहमरा होना शुरू हो गया, मॉडल देना और उसके बाद मॉडल के बाद ये होता है कि उसको एक राह दिखाना। और हम ये समझते हैं कि जितना मैंने 4-5 साल अपने दोस्तों के साथ देखे जिसमें मेरे साथ काशिफ शिकायत थे, वसीम खोखर थे, अजहर आबाज थे, मेरे साथ फजल निजामी थे, ठीक है, और उन्होंने जितना सा काम किया वो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये कि मेरा विजन था उस पर, ठीक है, दोस्तों से मैंने मुशावरत की और मैं नवाया द्वीप की सूरत में अच्छा एक मजे की बात बताऊँ कि नवाया द्वीप का जो एक ख्याल मेरे दिल में है वो आपके लिए खारी जो आप जाया करते थे लिखारी को देख के और मुझे बड़ा दुख हुआ जब लिखारी बंद हुआ, उसकी जो भी वजूहत हो सकती है और शायद आपको किसी ने मैसेज या कॉल ना की हो, मैंने लिखारी की टीम के अक्सर लोगों को मैंने देखा 6 माह के बाद लिखारी नहीं जाया होगा, तो इतना खूबसूरत पड़ता था वो लिखारी और सच्ची बात है कि हम जो है भी हो रहे थे लिखारी से। फिर मैंने कहा कि अब इसका फलाह पैदा हो गया, इस फलाह को अच्छा पूरा करने के लिए मैंने क्या किया, मैं नवाया अदीब की सूरत को लेके आया, मेरे साथ जो है कलीम मस्जिद की सनिया मीर बेग साहब वो आजकल न्यूजीलैंड में होती है, ठीक है, तो उन्होंने मेरा साथ दिया, एडिटर उसको देखी, मैं एज एडिटर यहाँ पर उसको छापता हूँ, लोगों को पहुँचाता हूँ, ठीक है, और वो कोरोना की वजह से थोड़ा कुछ करूँगा लेकिन ये अप्रैल में हमारा आ रहा है, अब इसको कंटिन्यू हम करेंगे। तो मेरे तो ये कि ये जो तरीके और ये असल में ये टोटली अच्छा मैं आपसे अगले किस सवाल पे मैं आपको जवाब दूँगा, नवाया द्वीप का ऑब्जेक्टिव क्या है वो लोगों के सामने इतला भी रखना चाहूँगा ताकि लोग उसको समझ सकें कि नवाया द्वीप जाया करने का मकसद क्या है, ठीक है। तो चलो इस पर भी बात करते हैं, बच्चों के अदीब हैं या बड़ों के, क्योंकि आप दोनों के लिए लिख रहे हैं, तो क्या मैं समझूं कि आप बच्चों के लिए लिख रहे हैं ज्यादा अच्छा या बड़ों के अदीब? मैंने बड़ों के लिए सिर्फ मेरा जिंदगी में 2 या 3 असम लिखे, हाँ अलबत्ता मैंने मेरा प्रोफेशनल लाइफ जो है प्रोफेशनल लाइफ में चूंकि मैं एक अदारे में जॉब करता हूँ वहाँ पे जिन कम्युनिटी का काम करता हूँ उनके लिए तब्दील करना पड़ती है जो तरबियत के हवाले से उनकी आगाही के लिए वो अलग से बुरा, अलबत्ता जो लिटरेचर की अगर हम बात करें उसमें मैंने बच्चों से और अलहमदिल्ला मेरी 4 किताबें आ जाती हैं जिससे 2 किताबें हुए हैं
मेरे वर्क हाउस में प्रिंट किए, इसके अलावा बच्चों को ताबदा है मेरा नॉवल तैयार किया जिसे तो काफ़ी कम है, और इसके अलावा मेरा एक सफरनामा है बच्चों के लिए, और इसके अलावा मेरी कहानी अच्छा। है वो प्रिय है अलहमदुल्ला, अभी भी मेरा बच्चों को दुनिया जो कदीमी रसाला है पाकिस्तान का, उसके अलावा जो मेरा नावल चल रहा है बताबों की कैदी, और अक्सर वक्त जो है मेरी चीज़ें चल रही होती हैं पढ़ाई के अंदर, तो अक्सर से छप रहा हूँ अलहमदुल्ला। माशाल्लाह आप बहुत अच्छा लिख रहे हैं, तो लिखने के लिए मैं ये पूछना चाहूँगा क्या कोई लिखने का कोई मौसम होता है कि जैसे मौसम बहार में आप ज़्यादा लिखते हैं या मौसम खिजा में कम लिखते हैं या किसी वक्त भी कुछ भी और कहीं भी कितना भी लिखा जा सकता है? कभी ऐसा होता था कि मौसम का इंतजार किया करते, इस बात की समझ आई है कि अल्लाह ताला ने जो है लिखने की साहियत अगर मुझे दी है तो इसका मतलब है कि मैं जिसने मुझे कलम का हुनर दिया जी। और उसके बाद फिर मैंने ये अपना तब्दील सोचा कि मैं क्यों लिख रहा हूँ, अलबत्ता मैंने हमेशा अपने सामने बच्चों को देखते हैं हर एज के बच्चों, और अभी मेरी कुछ हफ्ते से कुछ कहानियों का जो अंदाज है वो बदल गया, क्योंकि जब मुझे ये समझ आई है कि मैंने किस एज ग्रुप के लिखना है तो फिर मुझे अंदाजा हुआ कि मैंने इससे पहले जितना भी लिखा है वो बगैर किसी मकसद से लिखा है, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये कि जितनी मेरी चीज़ें देखो 3-4 सालों में प्रिंट हुई वो बकायदा एक मकसद से वो शायद लिख रहा हूँ, और वो बड़े अच्छे एहतमाम के साथ जो है सर लाया कर, तो ये मेरे लिए मेरे बात की बात कि मुझे अब समझ आ रही है, अलबत्त ये कि दूसरे मकसद तो हम रहेंगे अभी भी सीख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अब सीखते रहेंगे, लेकिन ये कि सीखने का अमल तो सारी ज़िंदगी जारी रहता है, लेकिन ये कि अभी कुछ ये हमें समझ आ गया कि इससे पहले हम बिना मकसद लिखते थे, आप मकसद हमारे सामने हैं जी जरूर मकसदियत जी, इसमें तो आपको वाजे कर दूँ कि ये मकसद कैसे मेरे सामने आया, मेरी बेटी है अभी का 8 साल की बेटी है, माशाल्लाह 3 साल वो तो जब 3 साल की थी तो यहाँ से मेरे अंदर ये ख्याल पैदा हुआ कि मैंने आज तक जो भी लिखा है वो अपनी बेटी के लिए, क्योंकि मेरी बेटी को मेरी जो कहानियाँ थी वो कभी पढ़ सकता था तो वो अपनी खूबसूरत करते थे, और जब टेलीविजन 3 साल का बच्चा उसके लिए मैंने देखा जब वो टेलीविजन ऑन करते थे तो उसके लिए खबरनामा उसके लिए ड्रामा ये कुछ भी अहम नहीं होता था, हमेशा वो जब भी लगाती थी वो कुछ जानवरों वाला जंगल वो क्या जो चैनल आते हैं नेशनल ज्योग्राफिक जी उसके अंदर उसको जंगल नजर आ रहा था, रफ नजर आते थे, नदियाँ नजर आती थी, उसमें उसको बंदर नजर आते थे, उसमें हिरण नजर आते थे, तो वो तो इस तरह की चीज़ उसको ज़्यादा अच्छी लगती, तो मैं उसको ऑब्जर्व करता था वहाँ बैठ के कि मेरी बेटी जो है वो क्या इसमें इंटरेस्टेड है, तो फिर मैंने सोचा इसका मतलब है कि बच्चे जो हैं वो जायज के कि हम उसको कहानी के अंदाज में वो तकरीर सुनाएं, तो इसका मतलब है कि तकरीर से ज़्यादा जो है उसकी शायद वो ना हो, अलबत्त आप कहानी में दिलचस्पी कितनी पैदा कर सकते हैं और वो कहानी की दिलचस्पी हो सकती है भी हो सकती है होने की हो सकती है, तो उसके अंदर आप जितना भी लेसन देना चाहते हैं वो कहानी के अंदर देते हैं, तो जैसे कि आप ये कि 23-25 दिन था और तैयारी कर दी और फिर उसके भाई ने जो है ये चंदा ने यह मामले में तस्वीर लिखी थी, तस्वीर क्या थी कि 23 मार्च 1940 को जो है ठीक है वो उसमें पूरी आप तबलीग करते थे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये बच्चे के लिए शायद वो मालूमती तो हो सकती है लेकिन उसके दिलचस्पी का और फिर मैंने तहरीर लिखी है, लेकिन फिर मैंने वो इस तरह की रवायती तहरीर लिखी, फिर ये पिछले 3-4 साल तक मैं मेरी अब से पुरानी तस्दीक हुई है, मैंने अब मतलब तस्दीक किया और अलहमदुल्ला इस काबिल है कि मैं किसी भी बच्चे के सामने प्रेजेंट करूँ, और सुरखू अच्छा आपने बच्चों के लिए ज़्यादा लिखा जैसे आपने फरमाया, बच्चों के लिए जैसे आपने अभी वजाहत की कि बच्चों के लिए आप जो आप लिख रहे हैं वो एक मकसद के तहत लिख रहे हैं और किसी भी बच्चे को प्रेजेंट कर सकते हैं, तो बड़ों के लिए लिखने का ख्याल क्यों नहीं आया, क्या बड़े इस काबिल नहीं हैं लिखने के या क्या किस वजह से आपने बड़ों के लिए नहीं लिखा? शुरू में ना आगाज तो सर बहुत सारे ख्वाब थे कि मैं ये भी करूँगा वो भी करूँगा, तो यहाँ पे हमारे आजम ने कुछ चीज़ें मैंने उनसे सीखी, वो ख्वाब भी कहते हैं मेरे बड़े भाई भी नासिर मलिक साहब जी जी नासिर मलिक साहब जो हैं वो बड़े फेमस राइटर हैं पाकिस्तान के, जैसे मैगजीन उन्होंने
मैंने कुछ अफसाने शुरू में लिखे दो तीन जो मैंने एग्जाम में डिस्कस किया था अफसानों तो नासिर साहब ने मुझे लिटरी जो है वो मना कर अच्छा मना कर अगर मना करने का मतलब ये नहीं था उनका कि मुझे वो फिर बुरे अफसाने थे ये बुरे अफसाने नहीं थे अफसाने अच्छे थे अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो मैं कोई पढ़ता हूँ तो यकीन नहीं आता कि मेरे लिखा हुआ है अब तो उन्होंने मुझे कहा था कि नदीम आप कौन सा फील्ड चूज कर रहे तो जो भी आपने फील्ड चूज करना है वो एक फील्ड चूज करें आप शायर बनना चाहते हो शायर बन जाए उन्होंने कहा था बच्चों का दीप अगर बनना चाहते हो आप अफसाने छोड़ दें तो बच्चों का तब तो यही वजह रही कि उनका वो मशवरा मुझे आज तक उसका ये फायदा हुआ कि मैं आज भी बच्चों का दीपी और मैं समझता हूँ अच्छा ये बताइए कि लिखने में क्या चीज आपको ज्यादा इंस्पायर या किससे मुतासिर होते हैं ज्यादा लिखने जब आपके अंदर लिखने का जज्बा पैदा होता है या किस चीज से या कौन सा कोई आइडिया या कोई ऐसी चीज जिससे आप मुतासिर होते हैं और कहते हैं मैं अभी लिखूंगा रब की तरफ से एक इंद्रधनुष जो दी गई है और कभी कभी तो अचानक से बैठे बैठे कुछ चाल दिन में जाता है क्योंकि मेरा कोई रिश्ता का है कि मुझे मैं बंद कमरे में कम हूँ यानी कि एक शहर में कम हूँ मैं जिस इदारे में जॉब करता हूँ मैंने मुख्तलिफ तहजीबों के साथ जो है मुकालमा करने के लिए मौका मिले हैं 15 साल मैंने दरअसल की तहजीब पूरी स्टडी की है उन लोगों को वहाँ के मुकामी जो पेट के और दरिया के किनारे पर रहने वाले लोग हैं दरियाओं के अंदर जो बसने वाले लोग हैं अदराय सलाम अदराय जैजम अदराय रावी अदराय सिंध तो इन लोगों के साथ मुझे डायरेक्ट जो है मुकालमे का मौका मिला जब मुझे मुकालमे का मौका मिला तो सारी बातें तमाम तबका मुकालमा किया वहाँ पर मैंने उनके इश्यूज को देखा अच्छा हमेशा जब भी मैंने उनके इश्यूज को देखा तो फिर मेरे दिन में आया कि अगर ये मसला है तो मुझसे मेरे तौर पर एक घंटा था और हमेशा कोई भी मसला जो होता है उसके मेरे 10 सोल्यूशन जो है हमारे सामने होते हैं और मेरे लिए इंस्पिरेशन जो है वो ज़्यादातर जो ये तहजीबें रहे और अक्सर कहानियाँ जो हैं अब कभी आपको पढ़े मैं समझता हूँ हम उसके अल्लाह ताला ने जो है अलग से और मोर पंख जैसी कहानी लिखवाई और ये सारी उसकी तहजीब को पढ़ा अच्छा अगर मैं कहूँ कि आपको एक साल के लिए कहीं भेज दिया जाए और आपने वहां जाकर सिर्फ किताब लिखनी है तो किस जगह का इंतखाब करेंगे मैं शिमाली इलाके जाता कहां पे शिमाली इलाके जाता शिमाली इलाके जाता कहां पे वो कोई भी हो सकता है मरी हो सकता है यूके हो सकता है खानपुर हो सकता है शिमाली इलाके हो सकता है कवातो भी हो सकता है सत्ते दिल्ली एनीथिंग कोई भी शिमाली इलाके जाता क्योंकि मैं जब भी गया हूँ लेकिन मुझे वहां जब भेजा जाए तो सिर्फ एक हफ्ते के बाद अच्छा किताब जारी बात है आप किताब भी पढ़ते होंगे लिखते हैं तो जारी बात है किताब पढ़ना तो जो किताब पढ़ता वही लिख सकता है मेरा ख्याल है तो किताब पढ़ने में कैसे मजा आता है फिजिकल किताब लेकर पढ़ने में मजा आता है या ई बुक या पीडीएफ कोई डाउनलोड कर ली कंप्यूटर पे पढ़ ली या फिर वो पहले अभी मैं अपने रूम में बैठा हूँ इससे पहले जब हम सेट कर रहे थे तो मैं अपने स्टडी रूम में बैठा जी तो मेरे बैग में आपको किताबें नजर आ जी बिल्कुल किताबें तो ये मेरा एक रूम है एक मेरा एक और रूम है जो मेरा सेकंड फ्लोर पे उसमें इससे ज्यादा किताबें तो मैंने किताबें शुरू से तकरीबन 20 के मैंने पढ़ी है इससे पहले अगर हम 90 की बात करें तो हमारे शहर में लाइब्रेरियों से मेरे हल कोई भी लाइब्रेरी में शायद कोई एक तो कोई एक किताब बची हो वरना वो भी नहीं बची होगी जिसकी हमने कट दो लाइब्रेरी थी और एक और लाइब्रेरी थी और हमने
में शायद कोई किताब को किराए पे लेते थे, वो पढ़ते थे हम। फिर एक वक्त ऐसा है कि किताब सच्ची वो एक अरसा था 5-6 साल का, जिसमें लिखने से भी लेकिन दिल में वो चीजें थी ऐसी जो मेरे कसक रहती। और फिर मैंने आसिफ भाई पिछले 2-3 साल 4 साल लिखने की सोचा था, वो ये थी कि मैं समझता था कि मैंने जो मुताया आज के साथ मैंने किया मुताया, अब जब मेरे जहन से कहीं नया हो रहा है खत्म हो रहा है। मैंने 3-4 साल मुताया, मैंने हर रंग का दब पढ़ा, मैंने पंजाबी को पढ़ा, मैंने इंग्लिश लिटरेचर फिर मैंने कुछ जो पुरानी किताबें मेरे पास मौजूद थी पुराने मैगजीन मौजूद थी उनको पढ़ा। फिर जो किसी दौर में मुझे जो किताबें मुझे अच्छी लगी थी जो आइटम मुझे पसंद थी या साथ थी उनके क्या कहते हैं कि सेम सीजन की जब मैंने पहली था सबको मैंने पढ़ा। फिर मैंने इश्तियाक साहब को मैंने कम पढ़ा जिंदगी में, लेकिन मैंने इश्तियाक साहब को दोबारा पढ़ा, मैंने चलो दोबारा पढ़ा, मैंने कहने का मतलब है कि जो अपने दौर में मैंने पहले पढ़ा हुआ था तो दोबारा मैंने रिपीट किया। अच्छा, जब मैंने रिपीट किया तो मैंने नई किताबों को आगे देखा तो मुझे उसमें मजा आया। जब मैं काफी पहचान रहा हूँ नई किताबें लिटरेचर की बात कर, मैं सियासत की, मैं संस्कृति की, मैं तारीख की उसकी बात की। अच्छा, वो लगते मेरी स्टडी है तो मैंने अलग से, लेकिन लिटरेचर की अगर बात करें तो फिर मुझे ज़्यादा हुआ कि शायद जो मेरे लिखने वाले लोग उनमें बहुत कम ऐसे लोग जो शायद उस लेवल का तो पसंद करते, तो शायद यही वजह है कि मुझे नहीं लिखने वाले मुझे मुतासर नहीं कर पाए। लेकिन यह है कि जो पुरानी किताबें मैंने पढ़ी जो क्लासिक उसको हम रुकवा देते हैं या क्लासिक रुकवा देते हैं तो उन किताबों ने दोबारा से मेरे अंदर जो है कहते हैं करंट पैदा किया। और फिर वो 3 साल मुताले के बाद जब 4 साल मुताले किया वो तो मुताले किया मुताले की ये सूख चल गई कि मैंने इतना मुताले किया कि मैं सुबह दोपहर शाम ऑफिस टाइम से निकल के किताब हमेशा मेरे साथ अभी मेरे साथ जी किताबें पढ़ी हुई है, हमेशा मेरा झगड़ा रहता है बेगम के साथ अपनी जगह पर लिखी किताबें हर जगह पढ़ी है रसायल हर जगह। तो ये है कि मैंने एक तो असल में उसमें मैंने मुताले किया 3-4 साल। फिर मैंने फिल्म देखी बहुत ज़्यादा, फिर मैंने ड्रामा बहुत ज़्यादा देखा मैंने क्योंकि इंटरनेट का ज़माना आ चुका था, यूट्यूब का ज़माना आ चुका था, तो फिर मैंने रज के जो है वो इन सारी चीज़ों को पहले हैं। अच्छा, फिल्म देखने का मकसद कोई इंटरटेनमेंट नहीं थी, उसमें मुकालमा और ड्रामे में मुकालमा उसको मैंने देखा क्या मुकालमा। अच्छा, जैसे आपने अभी फरमाया कि आप ये फिल्म देखा और ड्रामे देखे, तो क्या इस तरफ रुझान नहीं हुआ लिखने का, चाहे बच्चों के लिए ही लिखना हो? अच्छा, बच्चों के लिए तो हमारे यहाँ पे अब इसी चैनल के अंदर अभी हमें अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आ रही, ठीक है, और उस पे बहस का आगाज हो चुका है लेकिन अभी हमें नजर नहीं आ रही। लेकिन हम इस पे बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि आने वाले वक्त जो है वो बच्चों के लिए ड्रामा नहीं होगा। मैं समझता हूँ आने वाले वक्त में इंशाल्लाह चैनल भी होंगे और ड्रामा भी होगा बच्चों के लिए, लेकिन अभी फिलहाल हमें नजर नहीं आ रहा कुछ भी ना, इसलिए तवज्जो दी। और बड़ों के लिए जो है वो वन लाइनर तक चीज़ें मेरी गई हैं और उसमें बड़ी डिमांड भी एक जगह से रही है मुझे, लेकिन कुछ ऐसे वाक़ात रूनमा हुए मेरे साथ जिसमें उसी दौरान वालदा की वालद साहब की डेथ थी, वालदा की वफात थी, तो उसने मुझे इतना तोड़ के रख दिया था कि मैं जिन दिनों वो वन लाइनर के ऊपर अप्रूवल उसके बाद ड्रामा लिखना था तो मैं ड्रामा नहीं लिख सका क्योंकि मैं लिख नहीं पा रहा था, और वही दिन थे। और उसके बाद कोविड आ गया और कोरोना और सारे मामले कोरोना ने तो जिंदगी बर्बाद कर दी सबकी। अच्छा, ये बताइए नदीम भाई के लिखने के लिए क्या आज भी उसी तरह कलम या पेन से कागज पे लिखते हैं या कोई सॉफ्टवेयर वगैरह जैसे इन पेज वगैरह यूज करते हैं, कैसे लिखते हैं? मैं पिछले कागज कलम नहीं इस्तेमाल करता, उसमें अगर कभी इस्तेमाल करना पड़े तो मैं सिर्फ नोट लेने के इस्तेमाल करता हूँ, वरना मैं सिर्फ इन पेज यूज करता हूँ क्योंकि इन पेज पे भी लगभग अच्छी स्पीड है और प्रिपरेशन भी जल्दी हो जाती है। अच्छा, मैं अगर आपसे ये पूछूँ कि आप
लिखते वक्त आपको चाय दी जाए या कुछ खाने के लिए दिया जाए या कोई किताब दी जाए पढ़ने के लिए, और आपने लिखना भी है, तो कौन सी चीज आप चूज करेंगे? लिखेंगे, किताब पढ़ेंगे, कुछ खाएंगे या चाय पियेंगे? अच्छा, लिखने के लिए आसफ भाई मैं आपको बता दूं कि मैं एक निश्चित में कम लिखता हूं, एक निश्चित में, लेकिन मैं कि कहानी लिखने के लिए एक दिन जब करता हूं उसी दिन तक लिख लेता हूं, हद तक कि मैं नावल भी लिखना चाहूं 25 रुपए का तो मैं एक दिन में एक निश्चित में नहीं लिखता, लेकिन एक दिन में लिख लेता हूं। उस दौरान मैं मुख्य एक्टिविटीज भी करता रहता हूं, उसमें जैसे अगर खाने का टाइम है खाना भी खा लिया, लेकिन मैं किताब सुनती हूँ लिखते हुए। हाँ, अलबत्ता कहीं पे कोई चीज ऐसी है मालूमात मुझे चाहिए, कुछ कहानियां मैंने डाल ली हैं स्किप हो गई मालूमात, तो मैं गूगल का सहारा लेता हूँ या मैं कोई डिक्शनरी का सहारा कभी लेना पड़ता है, क्योंकि अब अमूमन जो लफ्ज है ना वो स्किप हो जाते हैं, शायद उम्र का तक आप कह सकते हैं, अब 40 ईयर मेरी उम्र हो गई है, तो कुछ चीजें आपको इस तरह के मसाइल हैं कि वो चीजें आपकी पहुँच हो गई। अच्छा, ये बताइए आपके ख्याल में जो आप अदब तख्लीक करते हैं उसमें आपके लिए क्या ज्यादा जरूरत है, क्या चीज ज्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए? कोई प्लॉट आपका अच्छा होना चाहिए कहानी के लिए, या आपका कोई करेक्टर अच्छा होना चाहिए, किस पे फोकस रखते हैं आप? लेकिन इसके अलावा जो मैं समझता हूँ कि चीज जो कि जदीद दौर जा रहा है इसमें जो बच्चा है वो आप और एस्पेक्ट करते हैं, वो आप आज का बच्चा जो क्लाइमेट चेंज हो जाता है, आज का बच्चा जो साइंस से भी ज़्यादा रख है वो मोबाइल हो जाता है, आपके आपके इंटरनेट है कंप्यूटर में जिसको जानता है अब वो ज़्यादा आप देखते जानता है उसको इनके गाने के हवाले से या रन करने के हवाले से, तो हमारे जो हमने मैंने देखा तो मैंने मैं समझा कि अब मुताले के साथ आपका क्लियर नहीं होगा, जब तक आप क्लियर नहीं होगा तो आप रवायती काम नहीं करेंगे, अगर आप चाहते हैं कि आपके खाने में चीज ज़्यादा है तो आपका एक्सपीरियंस हो चाहे किसी सॉफ्टवेयर के अंदर आपका क्लियर है, चाहे आप गूगल के अंदर क्लियर है, चाहे आप रिया की सहायता करते हैं, आप महिला का दर्शन करते हैं, ताकि जान करते हैं, दिन कहने का मतलब ये है कि आपका क्लियर इंसान जब तक एक्सपीरियर आपका नहीं होगा आप बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। कब आपको अंदाजा हुआ कि ठीक है जी मैं तो राइटर हूँ, जब आपको एहसास हुआ कि मैं तो लिख सकता हूँ, ये कब एहसास हुआ आपको? मुझे अभी भी एहसास नहीं, तो मतलब अभी आप सिर्फ सीख रहे हैं। मुझे अभी भी एहसास नहीं, मैं ये समझता हूँ कि कुछ चीजें हैं जो मुझसे बिरादरता लेता है, तो जब क्योंकि अब चीज़ें जो है मैंने लास्ट टाइम इज्तिमा माना नवंबर के लिए तो वो कतन मेरे कहीं पे भी अपने मंडेर काला के नाम की कहानी है, बिकॉज ये था कि ईद के हवाले से हमेशा रवायती कहानी के बाद दूसरे नहीं है, एक गरीब बच्चा है अमीर बच्चा है इस तरीके से वो कहानी, मैंने कहा कि यार इस तरह की कहानियाँ जो हैं वो बहुत नई चीज़ के अंदर, तो इसको हमारे सामने कोवर्ट है जो दुनिया पूरी में पाकिस्तान कोवर्ट, तो फिर मैंने उसको उस कहानी में डाला, फिर मैंने उसको तारीख के पीछे संभाल के लेके गया कि उसमें भी ये है कि एक बाप जो है वो दुबई क्या होता है पैकेट होते हैं, और पिछली इसमें जो कोवर्ट था तो जो लोग बाहर थे वो पाकिस्तान में, तो बाहर में से दुबई भेज दिया उसमें
मानी ही होती है स्टार्टअप में, तो उसमें से अगर कोई आटे का थोड़ा सा बाहर दे देता तो वो भी एक उनकी परिणाम कि आज ये जो आटा बाहर गया मतलब तो मेहमान अपनी किस्मत देख रहे थे आटा बहुत ज़्यादा, तो ये उसमें ऑलमोस्ट ये तरह के जो कहानियाँ थी वो पूरी हो। तो मैंने असल में वो कहानी को जोड़ा है लेर के कवे को या लेर के काले को उस अपनी जो हमारा माजी था उसके साथ कि आज जो हमारे कंजेस्टेड अर्बन होते हैं कवर होते हैं घर और बच्चे को ये नहीं पता कि उसने अपनी चिड़ियों को मैना को कवे को उसे रोटी के टुकड़े कैसे फेंकते हैं, क्योंकि वो अपना एक लज्जत होती है सुबह सुबह जाके जब रोटी के टुकड़े फेंकते हैं वो जो जो कवे हैं मैना है चिड़िया है अपना रिजल्ट किस तरह के वहाँ पर पहुँचते हैं और उनकी जब कैसे हार्ट होती है अपनी कहीं कहीं होती है उसका अपना एक लज्जत। तो मैंने इस कहानी को कथा जोड़ा जो भी एक बच्चा होता है तो बच्चा जो है उसका बाप भी आ रहा होता है वो मायूस हो जाता है तो उसकी दादी उसको कहानी सुनाती है कि हाँ बेटा एक वक्त था कि निकलते हमारे घंटे का थोड़ा होता है वहाँ पर काला होता था बड़ा होता था सबका मोटा होता सपना। तो बच्चे के दिन में ये बात आती है कि अगर कि कभी अपनी दादी और मेरी माँ तो कह रही है कि मेरा बाप ईद पर भी नहीं आएगा तो क्यों ना मैं उसको माँ से चोरी जो है जाके क्योंकि लेट क्लास का बच्चा होता है तो मैं चोरी जाके जो है या ब्रेड के टुकड़े ऊपर जो तीसरी मंजिल है उससे अगर फेंकूँ तो वहाँ पर कभी आएंगे अगर कभी आएंगे तो यकीन मुझे मेरे बाप के आने का पैगाम मिलेगा। ठीक है तो वो बच्चों को दो तरह की चीज़ें दी एक उनको जो हमारी माजी था एक खूबसूरत देहाती कल्चर था उसको रोशनास कराया गया, दूसरा वो जो हमारे चलते आ रहे थे एक नस्ल उसको कह सकते हैं हमारे बुजुर्गों के उनको रोशनास कराया और फिर वो ऐसे ही होता है कि एक दिन कवा काफी बोलता है तो वो भागता हुआ चलता है कि बाबा आ रहे हैं तो लोग यकीन नहीं करते बाकी बाबा जो है वो सरप्राइज रिजल्ट देते हैं अपना सरप्राइज सरप्राइज देते हैं कि अचानक से मैंने बुकिंग करवाई है और फ्लाइट एक हफ्ते के लिए ओपन हुई तो मैं जो है वहाँ से दिखलाया हूँ। ये सब चीज़ें हैं वो मैं समझता कि ये मतलब खुद ले सकता है ये कभी कभी जहन में क्या लगता है वो देता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा नदीम अख्तर साहब ये बताइए कि आपने माशाल्लाह किताबें भी लिखी बच्चों के लिए तो आप क्या डिफाइन करना चाहेंगे कि ये किताबें अपनी किताबों का अगर डिफाइन करना चाहना है कहूँ कि आप अपनी किताबों की तारीफ करें कि कौन इसको पढ़ सकता है या किसके लिए ये अच्छी हैं पढ़ने के लिए तो क्या कैसे बयान करेंगे या कैसे उनकी वजाहत करेंगे। अच्छा उसकी मैं तारीफ तो शायद ना कर पाऊँ अपनी चीज़ों की जी। तो आज आज जो है आज ही बल्कि सुबह ही एक फेसबुक पर मोहसिन शरीफ साहब हैं कोई हमारे फेसबुक फ्रेंड हैं तो लास्ट टाइम एक मुकाबला हुआ और दूसरा एक ग्रुप है अपनी ग्रुप है फेसबुक के ऊपर उस पर एक मुकाबला हुआ ऑनलाइन फेयर का ना तो उस पर उन्होंने कुछ किताबें मंगवाई इतने आज की किताबें थी और मेरी किताब थी कुछ और मुजम्मद सदीक की किताब थी एक और किताबें थी तो आज उन्होंने रिव्यू किया हुआ था उसका मुकाबला तो उनका वो रिव्यू देख के मुझे ज़्यादा हुआ कि तो मेरी कहानी आज उन्होंने रिव्यू किया। अलबत्त ये है कि कुछ चीज़ें मैं समझता हूँ कुछ चीज़ें आपसे लिखी गई हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को पसंद है और कुछ अभी हम देखते हैं रसाइल में जो खतूत छपते हैं तो पहले शायद इससे इतना नहीं पढ़ते हम खतूत को लेकिन जब से कहानियाँ प्रवास से करना शुरू तो अगले माह का लाजमी खरीदते हैं ताकि हम कारीन की राय देख सकें कि वो क्या उस राय दे तो वो उसको राय। अच्छा कारीन की राय से मुझे सवाल एक और जहन में आया ठीक है कुछ बिल्कुल लोगों को पसंद भी आई उनकी किताबें कहानियाँ ठीक है ओके कुछ नेगेटिविटी भी रही। नेगेटिविटी कभी किसी ने इजहार नहीं किया लेकिन यकीन तौर पे होगी जिनको नेगेटिविटी लगी होगी तो उन्होंने शायद इजहार ना किया होगा अपने के अंदर और जिनको अच्छी लगी उन्होंने इजहार कर दिया तो अब उसमें मैं तो कुछ नहीं कह सकता कि मैं मुझे अपनी तारीफ करनी चाहिए या मुझे कहानी कैसी होती है ये तो पढ़ने वाले बता सकते हैं मेरी कहानी कैसी है वो आपको दूर से पता चल सकता है तो उसमें जो पॉजिटिव राय होती है वही सामने आती है। नेगेटिविटी एक आध दफ़ा कभी सामने आई है तो वो अच्छा लगता है नेगेटिविटी अच्छी लगती है अच्छा ये बताइए कि जैसे आपने जिक्र किया अभी कि मिर्ज़ा अदीब साहब हसन रज़ा अदीब साहब ये अच्छे लिखारी थे और अच्छे लिखारी हैं तो तब के लिखारी और आज के नई जनरेशन के लिखारी को या अदीब को आप कैसे उनके दरमियान कैसे फ़र्क करते हैं उनके दरमियान में क्या फ़र्क है। लिखने का वैसे फ़र्क नहीं है आसिफ भाई अलबत्त ये है कि कुछ लोग ना जनरल लिखारी होते हैं
जनरली खड़ी होती है, और उस वक्त भी जनरली खड़ी थी, आज जनरली खड़ी हो जाती है। हम सिर्फ बच्चों के अदब की अगर बात करें तो हमारे सामने बहुत सारे जनरली खड़े थे, उसमें जावेद बदसाम का नाम कराची से, उनकी बड़ी खूबसूरत तहरीरें होती हैं। मैंने मारूफ चिश्ती को पढ़ा, नज़ीर अंबालवी साहब पेशेंट है हमारे पाकिस्तान के, अली अकबर तसव्वुर का एक अपना अंदाज है, बड़ा जनरल तहरीर है। हमने रोबिनसन सिमिल को पढ़ा, रोबिंडी से हैं, और इस तरह बहुत सारे अगर बच्चों के अदब की हम बात करें उसमें बहुत सारे नाम हैं बड़े जनरल किस्म के। और अभी मैं जो मुझे जिक्र करूँगा तो जिनका जिक्र नहीं करूँगा नाराज हो जाएंगे मेरे साथ, बेहतर सबका जिक्र कर दें। और वो सैकड़ों नाम है, सैकड़ों नाम, एक आध नाम नहीं है, उनमें खवातीन में बहुत सारी लिखने वाली हैं। फिर तो मुश्किल ही ज्यादा है, फिर तो ज्यादा प्रॉब्लम है। सारे नाम हैं, मैंने इनको, मैंने आपकी कुछ तहरीरों में कुछ पोस्टों में जिक्र भी किया लोगों का, लेकिन ये अच्छे लिखने वाले लोग हैं। और हाँ, इरफान रामी बहुत खूबसूरत लिखते हैं, उसके बड़ी रवानी है उस तहरीर के अंदर, और बड़े जो बड़ी तहरीर होती है उसमें बड़ा, और कावा सिद्दीकी साहब एक बड़ा नाम है पाकिस्तान का, एक बड़ा नाम है, पर इस तरह बहुत सारे नाम हैं और अभी मौजूद हैं जो लिख रहे हैं। ऋषि ने बड़ा अच्छा लिखा, मजा लिखा, आजकल वो शायर हैं बड़े, और कलीम तरबियत उनका चक्का है, ग्राम करता था, फहीम आलम ने लिखा चक्का तेज दाम, और इसके अलावा अहमद अजम तारिक जो है उसकी अंग्रेजी कहानी से वो तस्मा करके, और उसके बाद अपने अंदाज में जो बड़े खूबसूरत अंदाज में उनके किताबें उन्होंने दी। मुल्तान से अगर हम बात करें तो ख्वाजा साहब ने बड़ा बा मकसद लिखा, ख्वाजा मदर नवाज़ साहब ने, अली खुल तसव्वुर हैं, अरफा ज़हूर हैं, इन बहुत सारे लोग हैं, मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा, नौशाद अदल बड़ा खूबसूरत नावल लिखा है बच्चों के लिखते हैं, इसका वो आपने ना ना करते काफी नाम ले लिए। मीडियम इस तरह के हमारे सामने इस वक्त यूट्यूब भी है, हमारे सामने टेलीविजन के कुछ सैकड़ों चैनल्स हैं, हमारे पास फिल्म है, हमारे पास अब चैनल तो उतना नहीं रहा, अलबत्ता इस वक्त सोशल मीडिया के जितने भी मीडियम हैं वो हैं, वो जो दौर था उस दौर में इतने मीडियम नहीं जी, लोगों के पास बहुत था, अब लोगों के पास बहुत कम है, लोगों के मसाइल बढ़ते हैं, मसाइल उसको थे लेकिन मसाइल उसको लोगों को फील नहीं होते थे, इसलिए कि इनके जो इर्द गिर्द जो रहने वाले लोग थे वो उन मसाइल को समझते हुए उन मसाइल को हल करने के लिए अपना किरदार अदा करते हैं। अब भी बहुत सारे ऐसे नेक लोग हैं अब हमारे मोहल्लों में, हमारे गलियों में, हमारे देहातों में, लेकिन बहरहाल फिर भी एक फर्क आ चुका है काफी सारा। तो ये था कि उस वक्त लोगों के ऊपर टाइम होता था, मीडियम या अखबार था, सिर्फ आपके पास रेडियो था या सिर्फ आपको साल था किताब। अब एक बंदा है, एक इंसान है, वो हर मीडियम से किस तरह, तो इसलिए आपको क्योंकि हमें फील होता है कि शायद कुछ फर्क आ गया है, लिखने वाला जो है वो आज भी लिखने वाला है, ठीक है, और चूंकि लोग तवज्जो कम हो गई है तो इस वजह से हमें लगता है कि शायद वो जो पुराने लिखने वाले थे या हमारे बुजुर्ग लिखने वाले थे वो ज्यादा बेहतर थे, ठीक है, उन्होंने बहुत खूबसूरत लिखा है, लेकिन आज के दौर में भी हम इसको कम नहीं कर सकते, उनको कम नहीं कह सकते क्योंकि अपना किरदार अदा कर। अच्छा, फैमिली में सपोर्ट रही, भाभी की तरफ से सपोर्ट रही है, जिनका ये की करण दे हो या की लिख रहे हो या कुछ सपोर्ट मिली कि ठीक है लिख रहा बन? नहीं, शुरू में अब्बू की तरफ से नहीं थी, अम्मी तो मेरी आप अनपढ़ कह सकते हैं इनके, लेकिन ये है कि उन्होंने कभी ना हाँ की थी ना की थी, लेकिन अब्बू क्योंकि पढ़े तो वो रिटायर्ड थे आर्मी से, तो आर्मी का उनका अंदाज था जिस बात पर स्टिक हो जाते, और यस का मतलब यस या नो नहीं, तो जिस आर्मी का एक एनवायरमेंट था, तो शुरू में अलबत्त उन्होंने थोड़ा सा डिस्करेज किया, लेकिन ये मेरे अच्छा वो अप्पू थे मेरे जिनकी वजह से मैंने लिखना शुरू किया, ये बड़ी हैरान की बात है, क्योंकि एक वक्त था कि जब मैं अभी छोटा था और मेरे घर के अंदर जो है वो अखबार जहाँ आया करता था, और मुझे याद है आज तक मेरे वाले साहब जो है मुझे अखबार जहाँ थे जो कहानियाँ होती थी या मुझे छोटे छोटे टुकड़े होते थे वो पढ़ के सुनाया करते थे मुझे खुश करने के लिए, छोटे छोटे बच्चों को, और मैं भी फिर एक वक्त आया कि मैं भी उनको जिद करके उनसे सुना करता था, क्योंकि मुझे पढ़ना नहीं आता था उसको, तो मुझे वो याद है ना मैं,
तो यही वजह रही कि मुझे वो थोड़ा सा लिखने का, लेकिन जब लिखना शुरू किया तो फिर शुरू में जो आगाज का, तो क्योंकि मैं उस वक्त मेरा सातवीं या छठी में था जब लिखने का आगाज किया, तो वो इस सेंस में नहीं था कि मुझे वो लिखने से मना करते थे, वो कहते थे कि अभी तुम्हारा पढ़ाई का वक्त है, तुम सिर्फ पढ़ो, तुम ये रिसाले छोड़ दो, लेकिन मैं किताब में छुपा के वो सारे रिसाले पढ़ता था और जितना मन आपने किया होगा तो बिल्कुल किया आपने बुक लिखी माशाल्लाह, किताबें भी लिखी, तो मतलब किताब एक बार ही लिख के दे दी या उसके दो तीन ड्राफ्ट लिखे उसके बाद किताब की शक्ल में आई? आसा भाई ये मेरी कमजोरी है शुरू से कि मैं अपनी तहरीर को, हो सकता है मैं इंतहाई बड़ी गलती कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी अपनी कहानी लिखने के बाद दोबारा नहीं पढ़ी। अच्छा, छपने के बाद उसको दोबारा पढ़ लेता हूँ, लेकिन मुदीरान चूंकि अब मेरे हमसर हैं तो वो आप मुदीर बन गया, तो वो कहते भी ना इमला की गलतियाँ होती हैं, कंपोजर की गलतियाँ होती हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ छोटी मोटी हा ही की जो गलतियाँ करें, क्योंकि मेरा वो थोड़ा सा अंदाज, हाँ कभी कभी कोई कहानी होती है वो दोबारा कभी कर लूँ मैं उससे, वरना ये मेरी कमजोरी कह लें मैं दोबारा उसको छपने के बाद। किस अदीब से मुतासर है पढ़ने में, किस अदीब को ज्यादा पढ़ना चाहते हैं आप लाइफ में, कहते हैं ये अदीब बहुत अच्छा लिखने वाला है, जो आपके ख्याल में? मुझे मुतासर के रहीम गुल ने। किसने? रहीम गुल ने मुझे मुतासर किया। रहीम गुल ने मुझे मुतासर किया। अच्छा, और मंटो को मैंने भी अवाइल उम्र में मैंने पढ़ लिया था, मंटो साहब को ना, उनका मंटो रामा जो था, और ये वो दौर था जब मैं इमरान सिंह से आगे निकला, पहले तो टार्जन वो यार आंगलू बंगलू इनसे निकल के फिर मैं आ गया था, इसमें थोड़ा सा जो तारीख थी इसको पढ़ने के लिए, क्योंकि नसीम जाजी तारीख में उस दौर में तारीख में सागर ए हमीद साहब इनके वो सिलसिला और चीज़ें आ रही थी उस वक्त, तो इनको, लेकिन ज़्यादा जो मुतासर किया वो मुझे किया रहीम गुल के जन्नत की तलाश जब मैंने पढ़ा उनका नावल, फिर उनका मैंने दूसरे नावल एक दो पढ़े, फिर उनका एक बड़ा खूबसूरत नावल छोटा सा नावल था कतान तारा दूसरी जंग अजीम के पास मन पर, वो मैंने पढ़ा, तो फिर मन का वो कविता हो गया, मेरे पास आज भी वो किताब मौजूद है, रावे बा कौशल पर शाया किया था, और बाकी ये कि अगर मुझसे ये पूछा है कि आपको मुतासर सबसे ज़्यादा किसने किया, तो रहीम गुल ने मुझे मुतासर, बाकी ये है कि मैंने इश्तियाक छपड़ा सबको है, और हर लिखने वाले ने अपने खूबसूरत अंदाज में लिखा है, उन्होंने मुतासर किया, लेकिन ज़्यादा मुतासर जो कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, तो फर्स्ट इंप्रेशन होता है मुझे वो रहीम गुल मिला, उसके बाद तो बहुत सारे लोगों को पसंद आए उन्हें उनको बार पर, हाँ अलबत्त मैंने मुख्तार महसूद साहब को पढ़ा जब आवाज़ दोस्त पढ़ी तो मेरे लिए वो बिल्कुल दिया था। अच्छा, जब मैंने आंगन को पढ़ा महसूद साहब का नावल उसने क्या पाकिस्तान के मतलब में था उदास फसल जब पढ़ा वो, उसके बाद मैंने पढ़ा था असल, तो अब्दुल्ला साहब को पहला इम्प्रेशन था वो ये था रहीम गुल का नावल, जो कुदरतुल्लाह शहाब को नहीं पढ़ा आपने? पढ़ा है मैंने और शायद ही कोई छोड़ दिया हो तो। जी बहुत पढ़ा है। अच्छा, मेरे कुछ क्विक सवाल हैं आपसे, जल्दी वाले, सोचना नहीं है, जवाब फौरी तौर पर देना, विद इन 2-3 सेकेंड। आपकी पसंद नापसंद के बारे में पूछेंगे, आपकी पसंदीदा शख्सियत? पसंदीदा खाना? खाना में सारी हर चीज जो जी पक के, यानी कोई खास पसंद नहीं है। पसंदीदा लिबास? सलवार कमीज। सियासतदान? सियासतदान जो है वो मुस्तफा खान को लाइक किया। कोई ऐसी जगह जो आपके पसंदीदा हो जहां पे आप जाना चाहते हैं? शिमाई इलाका जा। और पसंदीदा बुक? जन्नत की तलाश।
अच्छा नदीम साहब, ये बताइए, आपने नवाए अदीब जैसे अभी फरमाया कि शुरू किया, भले आपने लिखारी से मुतासिर होकर शुरू किया, तो नवाए अदीब का बेसिकली मकसद क्या है और ये इसको कहाँ तक, क्या इसका भी अंजाम खुदा ना खास्ता उस तहरीक की तरफ से तरह तो ना हो कि कोई मकसदियत की तरफ या कोई मनतकी अंजाम तक ना हो, या इसको कुछ अरसे के लिए चलाना या बाद में बंद करना, ऐसा तो नहीं होगा, क्या मकसद क्या है इसका चलाने का? नवाए अदीब की टीम में ना मेरे अलावा 3 खवातीन राइटर्स हैं और ये नया तजर्बा हमने किया, मैंने किया उस वक्त, और ये सनिया मीर बेग साहबा सब मुझ पे गया और दिया हम लोग साहबा हैं मेरे साथ, सब के ऊपर वो बड़ी सपोर्ट करती हैं चीज़ों को मैनेज करने में। वो ये था कि नवाए अदीब का अल्लाह खैर करेगा, उम्मीद है कि ये कभी भी तहरीक की तरह मादूम नहीं होगा या ख़त्म नहीं होगा। ऐसा में एक विजन के तहत इसको निकाला गया, वो ये है कि पूरे महीने की जो बच्चों के अदब की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, बच्चों के अदब की और अदीबों की, एक तो उनको उसमें अखबार की सूरत में, क्योंकि उसको हमने छोटे साइज में किया, फोकलर में 8 पेपर के ऊपर हम उसको प्रिंट करते हैं और उसके साथ हम उसमें मुकामा एक फ़ा पैदा कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं उनके दिनों में सवाल हैं या बहुत सारे लोग बात करना चाहते हैं लेकिन हमारे बहुत सारे तबकातों की बात सुनना नहीं चाहते या हम तक पहुँचा नहीं सकते, और एक तो मुकालमे की हमने फ़ा पैदा की उसके अंदर। दूसरा हमने ये किया कि जितनी भी बच्चों के अदीबों की एक्टिविटीज़ हो रही हैं और बच्चों के अदब के फ़रोग के लिए काम हो रहे हैं उसको हम कवर करें हर महीने 8 से 16 सफ़ात के अंदर। उसके बाद हम इसके तकरीबन 8 और 16 सफ़े मतलब औकात में, ये कभी 8 हुआ करेंगे कभी 16 सफ़ात हुआ करेंगे, और साल के एंड पे हम एक जिल्द की सूरत में लेके आया करेंगे, जिल्द की सूरत में, और वो जिल्द होगी मिसाल के तौर पे पाकिस्तान 2020 में बच्चों का अदब नवाए अदीब की पेशानी के साथ, और वो सारे जितने भी 12 शुमारे होंगे या 8 शुमारे या जितने भी हम साल मिला सकेंगे उनको एक ही जिल्द के अंदर हम पेश करेंगे, और वो तमाम शुमारे हम जितनी भी पाकिस्तान की बड़ी लाइब्रेरियाँ सरकारी हैं या गैर सरकारी हैं वहाँ पे हम महफूज करवाने की कोशिश करेंगे। उसका मकसद यही है कि जब जब हम नहीं होंगे यहाँ पे दुनिया के अंदर, हो सकता है कि उस वक्त जब कुछ महक्कीन उठें तहकीक करने के लिए और कुछ थीसिस लिखने के लिए कुछ स्टूडेंट निकलें तो उनको लाइब्रेरी में वहाँ पे एक ही जगह के ऊपर पिछले 20-25 सालों का जो जितना भी काम हुआ है वहाँ पर उनको मिल जाए, और उसके बाद हो सकता है कि वो जो हमारे बुजुर्ग जो 70 के बाद की बात नहीं करते, शायद आने वाले वक्तों में जो लोग हैं वो 70 के बाद की बात करना शुरू कर दें। तो यही मकसद है करवाया थी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल मुझे अभी याद आया, उर्दू अदब में या मैं कहूँ बच्चों के अदब में किसी लिखारी ने ये काम नहीं किया कि आपने तमाम लिखारियों का एक इंसाइक्लोपीडिया शुरू किया। मुझे बाज़ का मुझे अक्सर पढ़ने को मिला है जहाँ आप ये इंसाइक्लोपीडिया मुख्तलिफ अदीबों का शजरा नसब आप खोद के निकालते हैं और कहाँ कहाँ से निकालते हैं पता नहीं, और उनके बारे में पूरी डिटेल के साथ और तफसील के साथ बयान करते हैं। ये आज तक किसी लिखारी ने नहीं किया, तो क्या ये कब तक कंप्लीट होगा और ये कहां तक पहुंचा और क्या स्टेटस अभी इसका? हां सभी इस पे मेरे अलावा काम किया है लोगों ने, उसमें नजीर अंबालवी साहब बड़ा अच्छा उसमें चीजें जो है वो जमा भी कर रहे हैं और उसमें उनके कब्सरे मजामीन जो है वो मुमार मानामा मुमार में न होनहार में शाया भी हो। इसके अलावा अभी अहमद तारक की किताब शाया हुई है जिसमें उन्होंने जो फिरोज संस के लिखने वाले जितने भी पुराने जो हमारे अदीब थे, सईद लख साहब हो गए, सैयद साहब या दीगर जितने भी जिन्होंने फिरोज संस के नावल लिखे उनकी पूरी पूरी जो है वो प्रोफाइल जो है वो इंसाइक्लोपीडिया की या तारफ सूरत में जो है उसका सूत्र में भी आ चुकी है। नज़ीर अंबालवी साहब की भी अलहमदिल्ला ये कब से चीज़ें आ चुकी हैं रसाइल के अंदर। इस पर जो था वो दावा अकेडमी ने भी एक तरफ से एक अर्सा पहले इस पर काम का आगाज किया था लेकिन वो डॉक्टर साहब की रिटायरमेंट के बाद वो किताबी सूरत में नहीं आ सका या उसको कंपाइल नहीं हो सका। तो मेरा अभी यही मकसद था कि पाकिस्तान के अंदर भी बच्चों पे जो अदीब जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो पहले तो हमारा मकसद यही था कि हम इसको कोई जो पहली जिल्द है वो 100 के करीब अदीबों की लेके आए, लेकिन जब इस पर काम का आगाज किया और लोगों ने इंटरेस्ट शो किया तो फिर हमने इसको जो मैंने सोचा मैंने ये कहा कम अज कम 1000 सफ़े का इंसाइक्लोपीडिया पहली और उसमें बहुत सारे लोग कह भी जाएंगे
और हर हर अदीब को हम तकरीबन 2 सफ़े या 1.5 सफ़ा देंगे, ठीक है, हर अदीब को हम कोशिश करेंगे। उसमें मेरा नंबर कब आएगा? आपका नंबर भी इंशाल्लाह इसी के अंदर शाम को। तो हम तकरीबन कोई जो मेरे पास डेटा है इस वक्त वो 300 से ऊपर अदीबों का इसमें डेटा आ चुका है, जिसमें मौजूदा दौर के जो लिखने वाले हैं, जो लिखना छोड़ चुके हैं, जिनका अच्छा खासा काम था, तो उनका डेटा मेरे पास आ चुका है और मैंने उसमें से कम से कम कोई 100+ जो है वो कंपाइल भी कर लिया हुआ है, और 70-80 तो फेसबुक के ऊपर भी, मतलब वेबसाइट के ऊपर मौजूद है। तो ये हम आज के 2 जुबानों में करने जा रहे हैं, इंग्लिश उर्दू 2 जुबान। और साथ साथ मैंने पर एक दोस्त हैं कुछ है, उनका दास्तान उनको मैं साथ साथ भेज रहा हूँ और वो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं, कंपाइल कर रहा हूँ। और ये हमारा जो पहली दिलचस्प आएगी वो 1000 सफ़े की तकरीबन होगी। और फिर हमको कब तक एक्सपेक्टेड है इसमें, होपफुली कि हम इस साल में हमारा टारगेट है कि इसको एंड ऑफ द ईयर जो है कंप्लीट कर लें इस प्रोजेक्ट को। अगर ना भी हो तो आने वाले इंशाल्लाह को अगले साल में तो स्टार्ट में या मिड में इंशाल्लाह ये हमारी किताब सामने आ जाएगी। उसके लिए वो भले इसको मेरे सामने मुख्तलिफ अदारे भी मौजूद हैं और कुछ ऑफर्स भी मेरे पास हैं, अगर ऑफर ना भी हुई या किसी ने ना भी छापा तो मैं खुद से अपने वसाइल के साथ कुछ आया करके वो लाइब्रेरी में। बहुत 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 अच्छा कदम है आपका, लेकिन ये एक लाइब्रेरी तक लाग चुका है इसको मैं देखता हूँ। और जब तक जिंदगी होगी आसफ भाई इंशाल्लाह ये जो इंसाइक्लोपीडिया वो मुख्तलिफ साल चलता रहेगा, इसके तरमीम के साथ भी चलता रहेगा ये। अच्छा नदीम अख्तर साहब ये बताइए कि आपने एक या दो किरदार भी तख्लीक किए बच्चों के लिए, तो किस किरदार को ज्यादा प्रेफरेंस दी या किस किरदार पे ज्यादा लिखना चाहते हैं और लिखा भी? मैंने मिशन स्क्वाड के अंदर अबीरा मेरी बेटी का नाम है, मैंने कहा उसमें जो बेटियां हैं या मैंने कहा मामूली आप कह सकते हैं कि स्लाइड दिखाया उस किरदार में, और मेरी आप जो कहानी जितनी भी ये पीछे भी कुछ कहानी भी आई हैं, और तो ये आगाज हुआ था मानामा से तालीम तरबियत से मैंने आगाज किया था उसकी, वहाँ पे 3 कहानियाँ वहाँ पे शाया हुई, मानामा साथी ने बाद में उसको शाया किया, और आजकल इसी किरदार के ऊपर मेरी कहानियाँ जो हैं वो इसमें शाया हो रही हैं मानामा नौ उम्र। और ये टोटली जितनी भी कहानियाँ ये सारी जासूसी कहानियाँ हैं, और अबीरा ही इसमें मेन जो है वो मिशन स्क्वाड को जो है लीड करती है, और वो 3-4 बच्चों का स्क्वाड है। और ये स्क्वाड का जो आइडिया था ये मैं मुतासर हुआ था माहनामा आंकुसोली में हक स्क्वाड के नाम से एक सीरीज चला करती थी, तो वहाँ से मुतासर होकर मैंने मिशन स्क्वाड पे वो एक सीरीज का आगाज किया जिसमें मेन कैरेक्टर जो है वो अबीरा का है। और अभी आपका मेन फोकस मेन जो ज़्यादा तवज्जो इसी मिशन स्क्वाड पे रहे और रहेगी इसके साथ में बंडी सीरीज की 10 कहानियां मैंने लिखी हैं, उसमें 3 कहानियां तो शाया हो चुकी हैं मानव साथी में सारी मुफियत में, लेकिन उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया, लेकिन उसकी 10 कहानियां मेरे पास मौजूद हैं। मैं ये चाह रहा था कि बंडी सीरीज की मैंने कि वो एक ही रसाले में शाया होती ना, तो ये फायदा था कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो एक तवातर सीरीज को पढ़ते हैं, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि कोई भी रसाला जो है या तो वो तवातर को शाया नहीं करना चाहता, या मैंने शुरू में शायद ऐसे रसालों पर इंतखाब किए जैसे माना तालीम तरबियत है जिसमें कुछ ऐसे लोग बैठे थे कि शायद वो तवातर से नहीं कर पाए, इसलिए वो बाकी चीज़ें पेंडिंग में पड़ी हुई लिखी हुई हैं, लेकिन वो किसी को भेज नहीं पाया इसलिए तवातर से कुछ चीज़ें हो नहीं पाई। अच्छा लिखने से पहले कोई रिसर्च करते हैं गूगल पे या किताबों से या कोई लाइब्रेरी में जाके अखबार खंगाल रहे हैं कुछ मालूम इकट्ठी कर रहे हैं? आजकल तो वैसे ही गूगल का ज़माना है, तो रिसर्च तो जरूर करते होंगे। नहीं वो इस तरीके से नहीं करता, लेकिन कभी भी कोई चीज़ मैं कुछ कहानी के अंदर कुछ चीज़ डालना चाहूँ तो वहाँ पे कुछ चीज़ें अगर मेरे ध्यान से स्किप हो जाए तो फिर मैं सारा ले लेता हूँ, लेकिन ज़्यादा ये होता है कि उससे आजकल मेरा एक नावल चल रहा है उसका नाम है ताबूत की कैदी मानव अनोखी कहानी है, इसमें सॉरी मानव बच्ची दुनिया में बच्ची दुनिया कदीम रिसाला है पाकिस्तान का, 80 सालों में उसको शायद हुए ये प्लेन हिंदुस्तान से पाकिस्तान, तो उसमें जो कुछ मेरा जो करेक्टर है जो वो जमीन के नीचे है, और वहाँ पे हाल बता मुझे कुछ चीज़ें जो तारीख के हवाले से कुछ तारीख की किताब पढ़नी पड़ी है। वो पढ़नी पड़ी आपको और रिसर्च करनी पड़ी कौन सा मुश्किल मरहला आपके पास रहा किताब लिखते हुए खास तौर पर, या कोई ऐसा सीन या कोई ऐसी जगह जहाँ आपको ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ा?
दो चीजें मेरे लिए हमेशा मुश्किल रही हैं, एक अनुवादी कतारिया लिखते हुए और एक किताब का पेज चलता। तो उसमें कुछ डेवलपमेंट की, कुछ इंप्रूवमेंट हुई या हमेशा से मुश्किल रही? नहीं, अब मैं समझता हूँ कि किताबें मेरी चार आई हैं और वादी के भी दो शुमारे हैं, शुमारा आ रहा है। लेकिन फिर मैंने कहा कि जो आपके जहन के अंदर चीजें हैं आप उसको लिख दो, बस जो आपके जहन में आता है, फिर इसके कि आप उसको बनावट के सूरत में लिखें वो फिर शायद मुश्किल पैदा करती है। लेकिन जो आपके मन में है, जो आपके दिल में है, आपके जहन में है, जो आप लोगों से बात करना चाहते हैं तो बात करने के अंदाज में आप मुखातब हो जाए तो आपको ये समझ। अच्छा, लिखते हुए क्या बच्चों को निकाल दिया, निकलो भाई कमरे से निकलो मुझे लिखना है, या कोई कमरे में दाखिल ना हो, कोई डिस्टर्ब ना करे, मैं अकेला बैठा हूँ, या लिखते हुए कुछ स्पेस चाहिए या कहीं भी बैठ के लिख सकते? मैं लिखने का आगाज ही 12 बजे के बाद करता हूँ, जब सब सो रहे होते हैं, जब खामोशी होती है। सवाल ही खत्म। सवाल ही खत्म, क्योंकि मैं दिन में कभी को मजबूरन है, मजबूरी है, कभी कोई किस तरह का मौका होता है कि जब भी तब वो किस्त आपकी जो किस्त छपी है तो अगली किस्त का इंतजार है, रसाला में वो प्रिंटिंग में जाने वाला है या सेटिंग हो रही है, तो एडिटर का फोन आ रहा है, कहीं मालूम को मुझे फोन आ रहा है, सब को भी फोन आ रहा है, अदीम भाई वो किस्त ने भी तक पहुँची, तो फिर मैं देखता हूँ अच्छा ये मेरे पास टाइम 3 बजे का टाइम है, मैं नमाज के बाद बैठ जाता हूँ। और फिर ये है कि उसमें फिर मैंने कभी वैसे मुझे हुआ नहीं कि मेरी शोर हो रहा है, टी एट एल मैं जब लिखने बैठता हूँ मैं उसमें मगन इतना होता हूँ, मुझे अंदाज़ा नहीं होता कि मेरे क्या शोर, मैं लिख लेता हूँ बस, इसमें कोई मसला नहीं। मोहब्बत के बारे में आपका क्या ख्याल है, कभी मोहब्बत की, उसका अंजाम क्या हुआ? मैंने असल में इसके जवाब मैं आपको देना नहीं चाह रहा, अगर 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 आप चाहेंगे तो मैं हिस्सा काट दूंगा। चले आप, हाँ मैंने मोहब्बत की है और रज की है मोहब्बत जिसको कहते हैं, और अपनी पूरी होशो आवाज के साथ की, लेकिन तो क्या अंजाम वो अंजाम उसका जो हमेशा होता है मोहब्बत का वही अंजाम वही हुआ। अलबत्त ये शुक्र है मैंने कुर्सी लगाई जाकर उसकी बात में चले। अच्छा, अगर आपकी किसी किताब पर कोई मूवी बनाना चाहे या फिल्म बनाना चाहे तो क्या इजाजत देंगे, और कौन से एक्टर के बारे में आप कहेंगे कि उसको वहाँ उस फिल्म में काम करना चाहिए? मेरा ख्याल है मेरी कोई भी ऐसी कहानी नहीं है जो मूवी या ड्रामा बन सके, वो और अंदाज में लिखी गई है। हाँ अलबत्त इस तरह कुछ चीजें लिखी तो यकीन तौर पर, हाँ अलबत्त मैं चाहूंगा कि मुझे वैसे जो एक्टर जो पसंद है वो सलमान बड़े पसंद है मुझे, क्या नाम है इनका, एक्ट्रेस पे सारी पसंद है, कितनी खूबसूरत सारी। कोई ऐसी अपनी कीमती एडवाइस जो जो, जो नए लिखारियों को आप देना चाहें या नए मुसन्निफ को देना चाहें? हाँ बिल्कुल, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मुझको सोचें और मुझको लिखें, और हमेशा कामयाबी जो पोशीदा होती है वो चीजों में ही होती है, जब भी आप मनफी सोचेंगे या मनफी एक्टिविटी करेंगे या मनफी आप लिखेंगे तो वो कामयाबी नहीं होती, वो समझे कि एक तो नाकामी होती है, दूसरा ये है कि आप अपने रब की दी हुई नियमतों को, जो आपकी सोच है, आपकी लिखने की सलाहियत है, आप उसको एक तो ज़ाया करें दूसरा अपना गा करें, तो हमेशा मुस्बत जो हर चीज़ का मुस्बत पहलू निकालें, यही है मेरा एडवाइस नए लिखने वालों को। अच्छा, अदब तकलीफ की आपने किताबें लिखी, उनसे कुछ अगर मुआवजा आया तो उसका सबसे अच्छा इस्तेमाल क्या किया, क्या कुछ खरीदा, कुछ बुक्स खरीदी? मुआवजा जो है वो किताबों का मुआवजा तो ज्यादा जो मेरे अब तक किताबों का तो नहीं आया होगा, अलबत्त ये है कि कहानियों का मुआवजे आए हैं जिसमें जो करते हैं, अलबत्त ये कि मेरा जो घर का सिस्टम चल रहा है वो लिखने से ही चल रहा है, बड़ा अच्छा चल रहा है, मैं उस ट्राइगेट को जो है वो इस्तेमाल कर रहा हूँ अपने प्रोफेशनल जिंदगी का, प्रोफेशन जो मेरा है जी। मैं जिस इदारे में जॉब करता हूँ वहाँ पे उसकी पब्लिकेशन के शोबे को देखता हूँ, वहाँ पे फ्रीलांसिंग भी करता हूँ, उसदारों के लिए फ्रीलांसिंग करता हूँ, उनकी मुख्तलिफ जो रिपोर्ट्स हैं, मुख्तलिफ उनके जो मॉड्यूल्स हैं वो लिखता हूँ, और मुख्तलिफ उनके जो IC मटेरियल वो डेवलप करता हूँ, वो सारा लिखने के हवाले से देता है।
तो अलबत्त कलम की जो उजरत है वो अल्हम्दुलिल्लाह उससे बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं मिलियंस में आप कह सकते हैं याद तक मिली है, लेकिन बच्चों के लिखते हुए प्रेस में तो हम ये नहीं कह सकते। अब बताइए कि जो सलाहियत मुझे मिली है रब ने दी, उस सलाहियत को मैं इस्तेमाल करते हुए वहाँ से अलग। अच्छा नदीम अख्तर साहब, ये बताइए आपकी फैमिली में मतलब भाभी या आपके बच्चे या आपके रिश्तेदारों में से आपकी फैमिली में से आपकी बुक्स पढ़ते हैं या सिर्फ बाहर के लोग पढ़ते हैं? नहीं, मेरी फैमिली में से पढ़ते हैं। तो उनके क्या क्या व्यूज हैं, उनके क्या तासुरात रहे? हाँ, उनके तासुरात अच्छे हैं क्योंकि उन्होंने जारी बातें मेरे वो अपने हैं तो वो तासुरात अच्छे देंगे। और अलबत्ता मेरी मिसेज कभी कभी जो है कहानी पढ़ने के बाद ये क्या लिखा था ये वाला लिखने वाले तो मैं कहता हूँ तुमने पढ़ी, अगर वे बिरा पढ़ते ये ना कहती तो मुझे पता है कि वो कोई मजाक में बात कर रही होती। अलबत्ता अबू जो थे वो चीज़ें पढ़ते थे, अम्मी चूँकि पढ़ी लिखी नहीं थी और वो मुझे अंदाज़ा सुत हुआ कि जब अच्छा मुझे नहीं पता था कि अबू मेरी चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन ये है कि जुम्मे को चूँकि उनकी छुट्टी होती जुम्मे वाले तो उस दिन को ना कोई किताब मेरी को ना कोई रिसाला जब भी आता तो उठा के देख देख उसने फिर इसमें कहाँ पर नदीम अख्तर का नाम है तो वो फिर पढ़ने के बाद कभी राय उन्होंने नहीं दी, लेकिन ये कभी वो खुश नजर आते थे तो मेरा बेटा अच्छा काम कर रहे हैं, इसकी कोई शिकायत नहीं आ रही है, कोई और इस तरह का कोई मनफी एक्टिविटी नहीं कर रहा, वो मुस्बत एक्टिविटी ही कर रहे हैं तो वो खुश होते थे। बहरहाल उनकी बातों से कभी भी फील होता था वो इनसे खुश है। अच्छा, अगर कुछ वक्त गुजारने के लिए आप किसी राइटर का इंतखाब करने के लिए कहा जाए कि किस राइटर के साथ आप वक्त गुजारना चाहेंगे तो किसके साथ गुजारना चाहेंगे? मैं तो सबके साथ गुजारना चाहूँगा, लेकिन ज़्यादा मज़ा जो मुझे आता है वो मैं शिवाज अख्तर उल्फत साहब हैं लाहौर से, उनके साथ तो मैं जितना टाइम के साथ ज़ाया भी कर लेता हूँ बैठ भी जाता हूँ, इसके साथ इतनी आस के साथ मज़ा आता है बैठने का। अच्छा, एक बड़ा ही सवाल मैं जो शुरू में करना चाह रहा था, अख्तर अब्बास साहब की ज़ेर तरबियत आप रहे फूल में, फूल के साथ काम करते रहे, फूल क्लब में भी रहे, तो उनकी तरबियत का कुछ हाथ रहा अच्छा लिखारी बनने में? अच्छा लिखारी के हवाले से कभी नहीं रहा कोई, कभी उनके से मैं समझता हूं कि मिला हो कुछ इस तरह का इस्तेफादा मैंने लिया हो, अलबत्त शख्सियत को ग्रूम करने में काफ़ी उनका हाथ था और क्योंकि उनका जो मैंडेट था मोटिवेशनल ट्रेनिंग के हवाले से और बाकी शुरू में चूँकि वो जब फूल के एडिटर थे तो उस वक्त से उनकी बातें बड़ी इंस्पायर कर दी थी हमें, तो शख्सियत ग्रूमिंग में उनका काफ़ी हद तक मैं समझ पा था, लेकिन बतौर लिखारी जो है वो चीज़ें लिखने के हवाले से जो मैंने सीखा जिन लोगों से, वो नासिर मलिक हैं जहाँ एक बड़े नावली कारण नज़ीरा बालवी की मैंने चीज़ों को पढ़ के बहुत सीखा मैंने। और अच्छा बड़ा किरदार जो मुझे यहाँ तक गाने में है और वो मैं समझता हूँ कि जो मुझे इस तरह का बच्चों का फ़्रोक के लिए और जो ताकत मेरा जो मेल जोल है उसमें ख्वाजा मजहर सदीकी साहब का बड़ा किरदार, खूस क्लब मुल्तान के जब सदर थे और जब क्लब थे तो वहाँ से बड़ा प्रोम हुआ मैं और लोगों से मुलाकातें और इस तरह की दावा अकेडमी का जो कैंप होते थे अच्छा, आपको नहीं लगता कि लिखारी, मैंने पिछले दिनों देखा आपस में उनके इतने इख्तलाफात हैं एक दूसरे के साथ, उनके कुछ क्या मामलात हैं, कि क्या आपको नहीं लगता कि सब लिखारियों को ये चीजें सामने नहीं लानी चाहिए, या अगर कुछ उनके आपस में इख्तलाफात हैं तो आपस में मिल बैठ कर उसको सॉल्व करें और कुछ अदब पर बच्चों के अदब के हवाले से कुछ, जैसे आपने तहरीक शुरू की तो उसको किसी मंतक या अंजाम तक ले जाएं, उसको दोबारा से शुरू करें, तो आपको नहीं लगता क्या कभी कोई बात नहीं हुई इस बारे में? असल में ये हर दौर में रहा है और चाहे बड़ों का अदब है, छोटों का अदब है, बच्चों का अदब है, हर जगह पे रहा है, इसमें हमें परेशान जरूरत नहीं है। अगर हम बाजी में चले तो हमारे सामने मतलब पता कि अदीब तहरीके हैं, कुछ हमारे हल्का अरबाब ज़ौक है, दीगर तहरीकें हैं और तहरीकें हैं, एक तो ये हो गया।
दूसरा ये है कि बच्चों के अधिकों का जो मामला रहा है वो हमेशा तो नहीं कहते, लेकिन ये कि मैं ये समझता हूँ कि जहाँ पे बल्कि एक जो बात मैं कहना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बतौर अदीब जो है कलमकार वो अजमेर शुभ बड़ा नाम है, बड़ा काम, लेकिन बतौर शख्सियत जो है वो बस सकते हैं उनके आप कह सकते हैं बतौर शख्सियत में उनको उसमें मुझे हमेशा एलिगेशन में उनको लगाया भी है उनको मैंने हमेशा तो अपोजिट है वो मुतजाद है। और जो अभी जो हमने देखा वो सिर्फ जंग है वो वहाँ पे जंग शुरू होती है जहाँ पे अब अपने को सुपीरियर समझना शुरू कर देते हैं कि मुझे 20 साल हो गए, मुझे 30 साल हो गए, तो मैं ये इतना काम कर रहा हूँ, इतना लिखा है, तो मैं पता नहीं इतना सुपीरियर बन गया। तो जब यहाँ पे इस तरह का मामला होता है तो वहाँ पे इतना चपलिश पैदा होती है। और हमेशा जब भी किसी भी मुआशरे की बात करें, जब भी आपको अपना किरदार वाजे है, आपको अपने चॉइस वाजे है, कभी भी चपलिश पैदा नहीं, और हमेशा जो है वो चपलिश वहाँ पैदा होती है जहाँ पे आप अपना किरदार भूल जाते हैं, अपने फायदे भूल जाते हैं, और जहाँ पे आप किसी दूसरे के काम भी इंटरफेयर करना चाहते हैं या आप ये समझते हैं कि मैं जो हूँ वो अगला बता दें। तो अच्छा, जिन लोगों ने अपने आप को हमेशा आज भी दिखते या सीखने के मरहल से गुजार रहे हैं, समझते हैं कि मैं सीख रहा हूँ और वो तालिब इल्म समझते हैं, वहाँ पर इस तरह की हमें चीज़ें नजर नहीं आती। लेकिन जहाँ पे लोग समझते हैं कि बस अब जो है ना हमसे बड़ा कोई नहीं है, तो वहाँ भी बस वो फिर अना की जंग शुरू होगी। तो मैं समझ सकता हूँ ऐसे लोग जो ना वो फिर अना की जंग में हार के तनहा रह जाते हैं। जब तनहा रह जाते हैं तो फिर वो उनके सर का वो जो समझें कि वो तनहाई का शिकार होकर फिर इतने मायूस हो जाते हैं कि फिर वो क्योंकि सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया पर क्या बात करनी, कैसे बात करनी, उनको भी समझ नहीं आती मैंने हमने क्या बात करनी, तो वो फिर वो उसी इशू को उछालते रहते। चलो जी, आखिरी सवाल आपसे कुछ कॉफी विद कलमकार के बारे में। यार ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम है आपका कॉफी विद कलमकार, और आपको ये आप तो वही में बैठ के आज तक बच्चों का सबसे मोहब्बत करते हैं, ये मेरा ख्याल है आपकी जिंदगी आखिरी सांस तक आप सब देख, और यही मैं समझता हूँ कि ऐसे आप जैसे लोग हैं जिन्होंने बेशक लिखना कम कर दिया या छोड़ दिया है, लेकिन बच्चों का अदब का जब भी कहीं जिक्र आता है तो उसके लिए आइडियाज आप लोग देते हैं, जैसे आप लिखारी का आइडिया लेके आए, आप काफी विद कलमकार लेके आए, तो ये हम जैसे लोगों के लिए या मुख्य लोगों के लिए बड़ी एक ये है कि चले हमें कुछ बात करने का मौका मिल जाता है, और आप आज के जदीद ज़माने के मुताबिक जो चीज़ें हमारे सामने जैसे जूम है, जूम पे बात कर रहे हैं, स्काइप है, दीगर व्हाट्सएप है, तो उस पर आप यूँ समझे कि यहाँ से समंदर पार रह के भी हमारे सामने बैठे हैं, हमारे पास बैठे हैं, वो ऐसे ही है जैसे आप हमारे दिलों में बैठे हैं, और कभी भी आपको हमने दिलों से नहीं निकाला, आप जहाँ भी रहें खुश रहें, और बड़ा अच्छा आइडिया। मैं बहुत शुक्रिया नदीम मुख्तार साहब कॉफी विद कलमकार में टाइम देने का, बातचीत करने का, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपके साथ मजीद गपशप भी चलती रहेगी, फिर आपको किसी और प्रोग्राम में भी तकलीफ देंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।